12 राज्यों की 95 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं। असम और बिहार की बात करें तो वहां पर भी 5-5 सीटों पर वोटिंग जारी है। ओडिशा की 35 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग की जा रही है। दूसरे चरण का मतदान जारी है। कई दिग्गज नेताओं ने अपना वोट डाल दिया है। तमाम बड़े चेहरे मतदान केंद्र तक पहुंचे जहां उन्होंने अपने वोट डाल दिए हैं। 12 राज्यों की 95 लोकसभा सीटें, दूसरे चरण का ये मतदान है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है। तमाम बड़े चेहरे इस मैदान में उतरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट से हेमा मालिनी मैदान में हैं। हेमा का मुकाबला आरएलडी के कुंवर नरेंद्र सिंह से है और कांग्रेस के महेश पाठक भी मैदान में है। मथुरा की सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर चुनावी मैदान में है। ये चुनाव इसलिए भी अहम हो चला है क्योंकि राज बब्बर की सीट के लिए खुद प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव प्रचार किया था, रोड शो भी निकाला था। तो प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए भी ये परीक्षा है कि उनका रोड शो, उनका चुनाव प्रचार पार्टी के लिए कितना सफल हो पाता है। और हम भी आपसे अपील कर रहे हैं, लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि आप भी अपने मतदान केंद्रों तक पहुंचिए। अगर आपके राज्य में आपकी सीट पर मतदान हो रहा है तो आप भी वहां पहुंचिए और अपना मत जरूर डालिए, क्योंकि आप चुनेंगे कि आने वाले 5 सालों में कौन सी सरकार होगी और कौन प्रबल दावेदार होगा जो संसद में बैठकर आपके लिए वहां पर आपका पक्ष रखेगा। न्यूज रूम का रुख करते हैं जहां से प्रदीप जी हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे कतारें लंबी होती जा रही हैं। क्या माना जाए कि पहले फेज से ज्यादा अब जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकलते नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल, और लोगों में उत्साह है मतदान को लेकर, वो जागरूक हुए हैं। अपने वोट की कीमत को उन्होंने बहुमूल्य वोट में तब्दील किया है। जिस तरीके से प्रचार प्रसार होता है, ये जरूर है कि लोकतंत्र का महापर्व और इस पर्व में हर कोई हिस्सा लेना चाहता है जो वोट दे सकता है, और इसीलिए वो अपना वोट कास्ट कर रहा है। सुबह का समय है और जैसे जैसे गर्म मौसम है तो इसलिए लोग सुबह ही अपने घरों से बाहर निकले हैं, वो वोट डालने के लिए कतार में लगे हुए हैं। ये जरूर है कि दूसरा चरण और बड़ा मुकाबला ये माना जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 8 सीटों पर मुकाबला, बिहार की 5 सीटों पर, ये वो जगह है, यानी उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, जहां सबसे ज़्यादा कड़ा मुकाबला इस नज़रिए से माना जा रहा है, क्योंकि जो बीजेपी इन राज्यों में सीट जीती थी पिछली बार, वो उसको सत्ता की दहलीज तक लेकर गई थी, और उत्तर प्रदेश में तो उसने प्रचंड बहुमत हासिल किया था। तो ये ज़रूर है कि ऐसे वक्त जब चुनौतियाँ बढ़ी हैं, वहाँ गठजोड़ बनकर उभरा है, और वो पहले चरण में जो यहाँ पर जो फीडबैक मिला है वो बीजेपी के लिए उत्साहजनक नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है कि इस मुकाबले में भी निगाहें लगी रहेंगी कि क्या महागठजोड़ के पक्ष में जाएगा ये चरण भी, या फिर बीजेपी भी मुकाबले में यहाँ पर चुनौती देगी, या त्रिकोणीय मुकाबला जो कांग्रेस बना रही है वो कितना असर डालेगी। तो ये तमाम ऐसे समीकरण हैं जिनकी पड़ताल होगी, वोट परसेंटेज कितना होगा उसके बाद इसकी पड़ताल जरूर की जाएगी। लेकिन आपने जिक्र किया प्रियंका गांधी का, तो ये जरूर है कि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा, उनकी साख दांव पर है, और ऐसे में कहना होगा कि ये चुनाव जो है कहीं ना कहीं असल परीक्षा भी साबित होगा कि क्या जो रोड शो किए उन्होंने अमेठी और रायबरेली से बाहर, वो असर डालेंगे। जहां तक फतेहपुर सीकरी की बात है, राज बब्बर चुनावी मैदान में है, उससे पहले उनको मुरादाबाद सीट दी गई थी लेकिन सीट बदल दी गई थी, और फतेहपुर सीकरी में वो आज चुनाव लड़ रहे हैं, आज उनका चुनावी मुकाबला है। हेमा मालिनी का चुनावी मुकाबला है आज, जो मथुरा की सीट है, काफ़ी हाई प्रोफाइल, क्योंकि इस नज़रिए से, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी चर्चा बटोरी है। हेमा मालिनी ने किसान वो बन गई, ट्रैक्टर चलाती दिखी हैं, फसल काटती दिखी हैं, वोटों की फसल काट पाएंगी या नहीं, बड़े सवाल हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें, आज वहाँ पर 3 सीटों का मुकाबला, दूसरी तरफ अगर जम्मू कश्मीर की 2 सीटों की बात करें, फारूक अब्दुल्ला चुनाव मैदान में हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं जितेंद्र सिंह, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं केंद्र में, वो चुनावी मुकाबले में हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम ऐसी सीटें हैं जो हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही हैं। इसके अलावा तमिलनाडु की सीटें तो हैं ही, वेल्लोर में चुनाव स्थगित हो गया,
त्रिपुरा की सीट स्थगित हो गया चुनावी गड़बड़ियों के चलते, तो ये जरूर है कि पहले 97 सीटें अब 95 सीटें बची हैं जो दूसरे चरण में जिन पर मुकाबला होगा, तो ये बड़ा मुकाबला है और कहीं ना कहीं जैसे जैसे मतदान आगे बढ़ेगा जो पैटर्न दिखाई देगा उसके बाद ये पड़ताल करना ज़रूरी हो जाएगा कि वोटों का रुझान किस ओर जाता है, और इससे राजनीतिक दलों को इशारा मिल जाएगा और इसीलिए वो अपने कैंपेन में बदलाव भी करेंगे जो हमें खबर आ रही है। तो वो ये बताती है साफ तौर पर कि बीजेपी ने अपने कैंपेन में बदलाव किया, वो नारा नया नारा लेकर आ रहे हैं अगले चरण के चुनावी मुकाबले के लिए। बिल्कुल प्रदीप जी, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।